आज हम बनाएंगे दार्जिलिंग फेमस स्ट्रीट फूड आलू चॉप। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में उतना ही आसान है। खासकर ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इस डिश को शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर आप पार्टियों में एज अ स्टार्टर या फिर साइड डिश सर्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलाइटेड डिशेस विद अजीना। सो बिना देर करे चलिए लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। आलू चॉप बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो आलू। आलू को दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है दो तीन बार। अब आलू को दो हाफ्स में कट कर लेंगे। आलू को दो हाफ्स में कट कर लिया है। अब लेंगे सॉस पैन और ये आलू जो हमने दो हाफ्स में कट किया था इसको डाल देंगे। लेंगे पानी, गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन। मैंने आलू दो हाफ में इसलिए कट किया है ताकि ये जल्द से पक जाए। अब आलू को अच्छे से पकने देंगे। आलू में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। जब तक ये आलू पक रही है आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आलू अच्छे से बॉईल हो रहा है, आइए आलू को चेक करते हैं। देखिए आलू अच्छे से पक गए हैं। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। आलू को पानी से अलग कर देंगे। अब आलू को ठंडा करेंगे पहले और इसके छिलके उतार देंगे। अब आलू के छिलके को इस तरह से उतार देंगे। अब इसी तरह से हमने सारे आलू के छिलके उतार लिया है। अब लेंगे मैशर और मैशर की मदद से आलू को मैश कर देंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। मैंने लिया है यहाँ पे दो प्याज। प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अब लेंगे चॉप किया हुआ प्याज। और लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच चाट मसाला। इन सारे इंग्रेडिएंट को कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से कर दिया मिक्स। अब हाथ की मदद से चॉप को शेप देंगे। आप चाहे तो इस तरह से राउंड शेप भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से या फिर आप चाहे तो इस तरह से फ्लैट भी कर सकते हैं। इस तरह से फ्लैट भी कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी आलू को भी शेप देंगे। तो हमने सारे आलू को शेप दे दिया है। देखिए इस तरह से। अब लेंगे आधा कप पूरा ऊपर तक भर के बेसन, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार। इन सारे इंग्रेडिएंट को कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं डालना आपको। पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे।
तरह से आपको घोल बना लेना है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छे से फेटेंगे और गाढ़ा घोल बनाएंगे। आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई गुठलियाँ ना रहे, लम्ब्स ना रहे। स्मूथ बैटर बनाना है आपको। तो बैटर बन के तैयार है। देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है आपको, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही पतला। चॉप फ्राई करने के लिए मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में लेंगे तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब लेंगे आलू चॉप जो हमने बनाया था। आलू चॉप को इस तरह से बेसन के बैटर में डिप करेंगे। देखिए चॉप अच्छे से बेसन के जो बैटर है इसे कवर होना चाहिए, मतलब ढकना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फ्राई करते वक्त आपका आलू निकल जाएगा बाहर और सारा जल जाएगा। आलू बाहर निकल के जल रहा है तो आपको करना क्या है, आपको बैटर में घोल में और बेसन डाल के इसको थोड़ा और गाढ़ा करना है और तेल में डाल देंगे। अब आलू को फ्राई करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। 2 मिनट हो गए हैं। आइए आलू के चॉप को पलट देंगे दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ भी 2 मिनट या फिर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब आलू दोनों तरफ से ब्राउन हो गया है, आलू को निकाल देंगे बाहर। देखिए अच्छा कलर आया है। अब इसी तरह से बाकी चॉप को भी फ्राई कर लेंगे। बनके तैयार है दार्जिलिंग फेमस स्ट्रीट फूड आलू चॉप। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे चाय के साथ स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं। आप बच्चों को टिफिन में भेज सकते हैं। आप इसे टोमेटो सॉस या फिर मेयोनीज या फिर किसी हरी चटनी लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डिलाइटेड डिशेज विद अजीना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे की और इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।